बड़ी खबर आपको दे दें, भाजपा का सोशल मीडिया सेमिनार शुरू हो गया है। सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम सेमिनार में पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी सेमिनार में मौजूद हैं। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सेमिनार हो रहा है। 80 लोकसभा क्षेत्रों से 600 से अधिक इन्फ्लुएंसर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर मोदी सरकार की उपलब्धियाँ जनता तक पहुँचाने और चुनाव प्रबंधन को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। केंद्र में हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है और अब मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों के साथ भाजपा के दिग्गज मैदान में है। दिल्ली में कल पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद भाजपा के धुरंधरों ने 2024 के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया। इस सिलसिले में अब भाजपा के दिग्गज 9 साल की उपलब्धियां जनता तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पिछले 9 वर्ष का जो एक कालखंड है, यह एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। लखनऊ में 9 साल की उपलब्धियों पर वीडियो प्रेजेंटेशन भी दिया गया। वही उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी और केंद्र मंत्री संजीव बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं वो सबके सामने हैं। अगर हम इन 9 वर्षों का आकलन करते हैं तो ये 9 वर्ष आजादी के सभी वर्षों पर भारी पड़ते हैं। इतना ही नहीं, अब एक महीने तक भाजपा महाजनसंपर्क अभियान भी चलाई। 30 मई से 30 जून तक जनता को उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। 4 से 5 लोकसभाओं को मिलाकर क्लस्टर बनाया गया। हर क्लस्टर में राष्ट्रपदाधिकारी या केंद्र मंत्री लीड करेंगे। हर लोकसभा स्तर पर 6 कार्यक्रम का प्लान, विधानसभा स्तर पर 4-4 कार्यक्रम की योजना, 2024 के लिए जमीन तैयार करने की तैयारी। 20 जून से 30 जून तक डोर टू डोर अभियान। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी भवन पर एबीपी गंगा की खबर का असर देखने को मिला है। सीएम योगी ने यूपी भवन के कई अधिकारियों को सस्पेंड किया है। व्यवस्था अधिकारी दिनेश समेत 3 अफसर को सस्पेंड किया है। राकेश और पारस पर भी निलंबन की कार्रवाई हुई है। आरसीएआरसी पर भी गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि एबीपी गंगा ने 2 दिन पहले यूपी भवन में भ्रष्टाचार की खबर दिखाई थी। तो 4 के मोर्चे में पहले मोर्चे की खबरें आपने देखी, अब दूसरे मोर्चे की खबरों से पहले देखिए 40 सेकंड में 4 अहम खबरें। मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिरा रही भाजपा। सभी प्रदेशों की राजधानी में भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी कांग्रेस में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल। निकाय चुनाव के नतीजों से हाईकमान नाखुश। इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर बड़े पदों पर फेरबदल की तैयारी में आलाकमान। बारिश और आंधी से कई जगह पर हुए नुकसान को लेकर सीएम योगी के निर्देश। राहत कार्य चलाने और प्रभावित परिवारों की लिस्ट बनाकर मुआवजा देने के आदेश। यूपी में समग्र शिक्षा अभियान को लेकर बड़ा फैसला। नए वित्तीय वर्ष में सरकार ने 12,744 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी दी। परिषदीय स्कूलों में 22,000 स्मार्ट क्लासरूम बनाने की तैयारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।